अपराजिता जी ये तो कह रहे हैं कि भाई आप लोगों की सरकार आ गई है, दबाव में काम करवाते हैं आप लोग, अदालत को भी नहीं बख्शते और इसीलिए ये सारे गवाह जो है पलट रहे हैं अपने बयानों से। कुछ तो कांग्रेस कहेगी, कांग्रेस का काम है कहना। दुख की बात यह है कि ये अगर कहने तक ही सीमित रहते तो सही रहता। इन्होंने अपने कार्यकाल में जो कुछ किया, मुझे लगता है आज के दिन उन्हें शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। देखिए, ये समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस को हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है और इतनी हिंदी हिंदू विरोधी मानसिकता क्यों है। मुझे लगता है कि आज देश के समक्ष खड़े होकर उन्हें अपनी गलती को कबूल करना चाहिए। ये जो आपने जैसा कहा, मैं पुनरावृत्ति करना चाहूंगी, सफरन टेररिज्म और सत्य की विजय हुई, जो महात्मा गांधी दुरुस्त। अरे महात्मा गांधी की डिबेट पे आपने आपने आपकी आपकी राज्य की पुलिस ने कितनी देर में पकड़ लिया? डिबेट मत कीजिए टॉपिक। ये पूछा जाए आज कांग्रेस से, ये पूछा जाए कि हिंदू आप हिंदू धर्म का अपमान करेंगे उसका क्या, आप भगवा का अपमान करेंगे उसका क्या? सावरकर को नहीं मानते, सावरकर ने मर्सी पिटीशन फाइल की। अरे सावरकर जी अभी आज की बात कीजिए, हिंदू चुप बैठे रहेंगे ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी है, हेमंत करकरे हमारे लिए शहीद है जिसको आप अपमान करते हैं। देखिए आप सबको ज्ञात है, आप मुझे बोलने दे, आपने कहा मैंने सुना, आप मुझे बोलने दे, आपने कहा हमने सुना। देखिए इनकी इनकी ऐसी हिंदू विरोधी मानसिकता है कि यूएन के एम्बेसडर को राहुल गांधी जी ने कहा, आप सब रिकॉल करें, आप सब याद करें, उन्होंने कहा कि जो हिंदू आतंकवादी हैं वो लश्कर तोयबा से भी ज्यादा खतरनाक है। ये विश्वास नहीं होता है कि इतना हिंदुओं के प्रति इनके मन में नफरत क्यों है। ये सब इनकी मानसिकता को उजागर करता है और कुछ नहीं। राहुल गांधी बीच में आए, हिंदू हिंदुत्व के बीच में उन्होंने के डिफरेंस के बारे में के अंतर के बारे में बातचीत शुरू की और पूरे देश को गुमराह किया। तो मुझे लगता है कि अभी आज के वक्त सबसे अच्छी बात होगी अगर कांग्रेस के नेतागण आए और अपनी भूल को स्वीकार करें और माफी मांगे।